नाम आसिम सैन है, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं 6-7 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ, नेशनल फुटबॉल। हमारे मोहल्ले में अक्सर लड़के सर्दियों में फुटबॉल खेलते थे और गर्मियों में क्रिकेट, तो मैं भी उनके साथ था। फिर मैं वहाँ से हॉस्टल चला गया फालिया, तो वहाँ पे जाकर मैं स्कूल टाइम में जाता था, गेम पीरियड होता था तो वहाँ पे मैं फ़ुटबॉल ना खेलता था और वहाँ से मुझे ज़्यादा शौक़ पड़ा। वो खुद खिलाड़ी थे फुटबॉल के, तो उनसे अक्सर मैं सीखता था, वो मुझे बताते थे गेम कैसे करनी है और वहाँ से मेरा जज्बा शौक़ पैदा हुआ तो मैं फ़ुटबॉल में आ गया। मेरा नाम मोहम्मद हलील है, मैं डिंगा का रिहायशी हूँ और पेशे के अतबार से मैं एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ। नेशनल फ़ुटबॉल क्लब डिंगा के लिए मुझे खेलते हुए तकरीबन 17 साल हो चुके हैं। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अंदर, जो मेरे ननिहाल हैं उनके अंदर काफ़ी जो है ना वो फ़ुटबॉल को लाइक करते हैं, आर्मी में रहे हैं, आर्मी में रिटायर्ड भी रहे हैं और उसके अलावा उन्हीं से जो है ना वो मुझे ये तहरीक मिली खेलने के हवाले से। और उसके अलावा मैं स्कूल में जब गया तो स्कूल की जो टीम थी उसके अंदर मैंने खेलना शुरू किया। फ़र्स्ट टाइम तो मुझे उन्होंने जो है ना वो सिलेक्ट ही नहीं किया क्योंकि वो मेरा बिल्कुल स्टार्ट था। और जो जब मैं 10th में था तो फिर मैं उसी टीम का कैप्टन बना क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रगल की। पर्सनल ज़िंदगी इस तरह है कि वहाँ पे फ़ुटबॉल में जब कॉलेज में जाना था तो मेरा फ़र्स्ट और सेकंड शिफ्ट होती थी, तो वहाँ पे साइंस सब्जेक्ट होते थे जिनका बुनियादी दाखिला होता था, तो उनमें सेकंड शिफ्ट में अगर मेरा आता तो मैं सेकंड शिफ्ट में जाना था। और मैंने घर वालों को बोला अगर मेरा फ़र्स्ट शिफ्ट में मैं तब जाऊँगा कॉलेज में, तो इस तरह अल्लाह किया कि मेरा फ़र्स्ट शिफ्ट में दाखिल हो गया। इस तरह फ़ुटबॉल भी मैं सेकेंड टाइम खेल लेता हूँ और स्टडी भी मैनेज कर लेता। जी बहुत ज़्यादा मुश्किल देखने को मिलती हैं। जब मैं शुरू में मैंने खेलना शुरू किया जब मैं स्टूडेंट था तो पहले तो मुझे घर से इजाज़त ही नहीं मिलती थी, मैं छुप छुपा के घर वालों से नज़रें बचा के निकल आता था। अक्सर ऐसा होता था कि वो समझते थे कि ये ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है, लेकिन मैं अपने शौक़ की वजह से ट्यूशन नहीं जाता था, इधर ग्राउंड में आके फ़ुटबॉल खेलता था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास भी हो जाता था। हर बेशक मैं कोई अच्छे मार्क्स नहीं ले पाता था लेकिन मैं हर क्लास में पास ज़रूर होता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब भी मिल चुकी है। अब इस वक्त भी मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुझे अभी भी घर से ज़्यादा नहीं मिलती, अम्मी अबू जो है वो मुझे डांटते हैं अब तो बस कर दो, लेकिन वो मैं अपने शौक़ की वजह से आ जाता हूँ। फुटबॉल में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं मुझे, लाहौर भी सिलेक्ट हुआ था और अपने ज़िला की तरफ से भी अक्सर मैं ओपन जाता हूँ। ओपन जाना था मैंने खेलने, तो फिर मैं गया वहाँ पर ज़िला की और तहसील की टीमें थी और मैच भी खेला अल्हम्दुलिल्लाह, ओपन खेला तो मैच भी विन किया, टूर्नामेंट भी विन किया, उसमें गोल भी किया, असिस्ट भी किया। और इस तरह अब ज़िला में अक्सर अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कोई ग्राउंड में आकर किसी गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स मैन ने कोई आकर चक्कर लगाया हो जो पूछने वाला हो, इस तरह कोई नहीं, ना कोई कैंप वगैरह लगता है, खुद ही जो करना होता है अपनी तरफ से करना होता है और छोटे लड़कों को भी सिखाना होता है, इस तरह का फ़ंड वगैरह इस तरह भी कोई चीज़ें नहीं हमें मिलती, सब अपने जेब से करते हैं। स्टूडेंट हैं हम, मंथली फ़ंड होता है वो पे करते हैं क्लब को और उससे ही सारा बाल वगैरह सब कुछ आता है, तो और ग्राउंड भी यहाँ पे ख़राब होता है, ग्राउंड भी हमें अवेलेबल सही तरह, तो खुद ही ग्राउंड भी आज के दिनों में काफ़ी ख़राब है, तो इस तरह करके काफ़ी मुश्किलात हैं फुटबॉल में हमारे इस छोटे सिटी में। एनएफसी क्लब में 6-7 साल से खेल भी रहा था और अब एज आ कोच हूँ। हमारे यहाँ तो इधर नहीं बिल्कुल लगाए जाते, हम तो अपने ये कॉलेज ग्राउंड है बॉयज़ डिग्री कॉलेज और प्रिंसिपल साहब से इजाज़त लेकर असर से मगरब तक गेम करते हैं इधर, तो और तो कोई फैसिलिटी नहीं है, अपनी मदद आप के तहत हम खिलाते हैं लड़कों को। ये तो फैसिलिटी अगर लड़कों को मिले तो फिर तो ये आगे जा सकते हैं, पर मेरे ख्याल से तो अभी तक तो कोई नहीं है कोई इनकी हेल्प करने वाला या सपोर्ट करने वाला। ये हमारे गली मोहल्ले शहर की लड़कियाँ हैं तो बस इधर खेलते हैं, कुछ छोटे मोटे टूर्नामेंट भी खेल लेते हैं। तकरीबन 1 साल हो गया यहाँ पे ऐसे गार्डन में हमें फुटबॉल खेलते हुए। मैंने फुटबॉल छोटी उम्र से स्टार्ट किया था, मैं गिलगित से मतलब जो है मैंने फुटबॉल का आगाज़ किया था, उसके बाद फिर मैं फर्दर इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, फिर मैंने वहाँ पे एक क्लब ज्वाइन किया मेहरान क्लब। जो कि फुटबॉल क्लब गुजरात में खेलता हूँ, गुजरात के एक गाँव जमालपुर सईदा में है और हमारा क्लब तकरीबन 2009 से ऑनवर्ड आज तक जो है ना वो खेल रहा है और मैं इस क्लब में तकरीबन 2010 से ऑनवर्ड जो है वो इस क्लब में खेल रहा हूँ। 5-a-side और लेजेंड लीग खेलने का मौका मिला था तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही थी और हम लास्ट राउंड तक गए थे
और उसके बाद हम आगे क्वालिफाई नहीं कर सके। 9-10 साल का होगा जब मैंने ये फुटबॉल स्टार्ट की है। अपने स्कूल लेवल पे ही मैंने ये फुटबॉल स्टार्ट कर दी थी खेलनी, बिल्कुल क्लासेस में अपने ब्रेक टाइम्स में जाके बाहर दोस्तों के साथ खेलते थे। तब से ये शौक़ पड़ा, फिर कुछ 2010 का वर्ल्ड कप था वो देखा, उसके बाद जो है वो इधर क्लब में आके मैंने थोड़ा प्रोफेशनली आके खेलना स्टार्ट किया। टैलेंट माशाल्लाह ज़िला गुजरात में बहुत है जी। डिंगा हो गया, आप ये लाला मूसा ले लें, कोटला ले लें, सराय आलमगीर ले लें, जलालपुर जट्टा ले लें, सारों की साइड ले लें, हमारे ज़िले के हर कोने में जो है ना वो टैलेंट बहुत है अपना। मगर ये जो मैंने आपको बताई है कि मजबूरियां हैं कि बंदा बेरोज़गार होता है और उसको अपने घर की भी फिक्र होती है कि हमने अपने घर के लिए रोज़ी भी कमानी है, मैंने स्कूल भी जाना है, मैंने कॉलेज भी जाना है, ये मुश्किलात हमें जो है ना काफ़ी हैं अपना हर जगह। स्मॉल सिटीज़ में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ ग्राउंड्स नहीं है, ग्राउंड्स कोचिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये है कि छोटे सिटी में भी होनी चाहिए, मगर ये है कि हमारा ये है कि मैं समझ अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे जो हैं यस ऑनर उनको चाहिए कि वीक में 2-3 डेज जो ना नए बच्चों को ट्रेनिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि बाहर से बच्चे आके लर्न करके यहाँ से वहाँ जाके खेल सके और वहाँ जाके ये करवा सके। पहला स्टेप था बिल्कुल मेरा फुटबॉल में इधर से बाहर गुजरात से खेलने का, तो वो बिल्कुल ये था कि मैं अंडर 15 टीम में खेला था, पंजाब की टीम में, पूरे पंजाब की जो अच्छे से प्लेयर्स थे उनमें मेरी सिलेक्शन हुई थी। मैं जाके खानेवाल जाके नेशनल चैम्पियनशिप खेला था। मैं शिफ्ट किया ऐसे गार्डन्स लाहौर में क्लब है उसके ऊपर जो प्रोफेशनली जो है वो लीग खेलते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं। तो उसमें एज अ प्लेयर मैं सिलेक्ट हुआ, ठीक है, मैंने जाके ट्रायल्स दिए, ठीक है, मैंने जाके उधर खेलना स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे एज अ कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे रखा, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा उनके साथ। फुटबॉल प्रमोट ही इसी तरह होगा, जब आप स्मॉल सिटीज से प्लेयर आएंगे फिर आपका फुटबॉल प्रमोट होगा। अगर ये बिग सिटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, नेट है, ये छोटी छोटी गेमें हैं उसमें। भाई जो स्मॉल सिटीज हैं उनके बच्चों के पास बहुत टाइम है, ज़्यादा फिट भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं और उनकी बॉडी भी ज़्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत यहाँ के बच्चों से। मैं चाहता हूँ उनको बच्चों को लाना चाहिए, उनको ये फैसिलिटी देनी चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए और ताकि और थोड़ा बहुत स्टेपेंड भी देना चाहिए ताकि उनका और इंटरेस्ट बढ़े और फुटबॉल उनके ताकि उनके पेरेंट्स आसानी से परमिशन दे सकें। बिल्कुल, क्योंकि गुजरात में रहते हुए आप क्लब में रहते हुए इस क्लब में रहते हुए हम खेल तो सकते हैं सब कुछ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन जब से ऐसे गार्डन्स में खेल रहा हूँ उसमें मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, नेशनल चैलेंज कप मैंने खेला, नेशनल मैचेस जाके खेले हैं, तो वो एक बड़ा जो है ना वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने पाकिस्तान का जो नेशनल लेवल है वो देखा है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी मैचेस जो प्रोफेशनल लेवल पे एक होते हैं, ठीक है, वो खेलने का मौका मिला, ठीक है। तो ये एक जो है ना बड़ी बात होती है कि आप गुजरात के एक गांव में खेलते हो, ठीक है, उसके बाद इतने मतलब स्ट्रगल के बाद, बातें सुनने के बाद, सब कुछ आप अपना एक कंटिन्यू रखें और एक क्लब से शिफ्ट करें प्रोफेशनली। इंशाल्लाह आगे भी मेरा एम यही है कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलूँ, जो मेन जो पर्पज़ है इस चीज़ का।